हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम इंजीनियर ओम कुमार प्रिय है और मैं आईआईटी जेई और गेट जैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर चुका हूं। और यह क्लास वन बिल्कुल जीरो लेवल से है और इसमें हम देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीखेंगे एकदम जीरो लेवल से। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बेसिक इंग्लिश के बारे में जानते हैं, इंग्लिश होता क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंग्लिश, कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश क्या है। तो सिंपल से इसका आंसर है, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, इंग्लिश एक भाषा है, यानी इंग्लिश एक भाषा है। तो भाषा क्या होती है? भाषा एक माध्यम है जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के थॉट, फीलिंग यानी सोच विचार को जान सकता है, उसी को भाषा कहते हैं। तो चलते हैं, आखिर इस भाषा को हमें सीखने की क्या ज़रूरत है, आखिर हम अंग्रेजी क्यों सीखें, महत्व क्या है इंग्लिश के। तो इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के इम्पोर्टेंस देखेंगे, यानी अंग्रेजी का महत्व, कि अंग्रेजी के महत्व क्या है। तो पहला महत्व देखते हैं, इंग्लिश इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यानी अंग्रेजी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। तो दुनिया में सबसे जास्ती भाषा बोले, यानी तो डेफिनेटली अगर दुनिया से जुड़े रहना है, न्यूज़ सुने दुनिया के, यानी कम्युनिकेट करें हम दुनिया में को अपने से, तो उसके लिए हमें इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पूरे इंटरनेशनल घूमने की इच्छा हो, या फिर उसे कम्युनिकेट करने की इच्छा हो, या फिर उसे बिजनेस साझा करने की इच्छा हो, या करने की हो, या कोई और तरह से वार्तालाप करना हो, तो उसके लिए हमें इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड, इंग्लिश विल टीच यू अबाउट वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी अंग्रेजी आपको विश्व इतिहास के बारे में सिखाएगी। यानी अगर आपकी इंग्लिश आती है तो आप डेफिनेटली इंग्लिश के विश्व के पूरे इतिहास के बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखते हैं, इंग्लिश ओपन अप न्यू करियर अपॉर्चुनिटी, यानी अंग्रेजी करियर के नए अवसर खोलती है। यानी कैसे कह सकते हैं कि हमें इंग्लिश सीख लिए तो अंग्रेजी के नए अवसर मिलेंगे। सपोज आपको अगर इंग्लिश आती है तो कॉल सेंटर में जॉब कर सकते हैं, इंग्लिश ट्रेन कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे जॉब कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अपने टीम लीडर हैं, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप अपने टीम को कैसे लेकर चलिएगा, क्योंकि हर जो बड़ी क्षेत्र हैं, जैसे आईटी सेक्टर हो गया, सेल मार्केटिंग हुआ, तो वहाँ पे इंग्लिश आना ज़रूरी है आपको। अगर इंग्लिश अगर आपकी नहीं है तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। और इसके अलावा अगर बात करें गवर्नमेंट सेक्टर में, तो जो भी हाई लेवल के एग्ज़ाम है, मतलब जो अच्छे पे करते हैं, मतलब मंथली जिसमें अच्छे रहते हैं, SSC हो गया, उसके अलावा अगर बात करें तो अच्छे हर एग्ज़ाम के लिए एक इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। जैसे गेट हो गया, जेई हो गया, उस तरह से अगर एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसको इंग्लिश का आना बहुत ज़रूरी है। तो यानी कह सकते हैं, अगर हमारे पास इंग्लिश है तो एक अच्छा करियर अवसर खुल सकते हैं। फोर्थ, इंग्लिश इज द टॉप लैंग्वेज ऑफ द इंटरनेट, यानी जो भी हम इंटरनेट चला रहे हैं, यानी हिंदी देखें तो अंग्रेजी इंटरनेट का शीर्ष, यानी पहला सबसे प्रमुख भाषा है। तो इंग्लिश अगर आपको नहीं आती तो डेफिनेटली है कि आप लैपटॉप लेकर क्या कर सकते हैं, एक खिलौना के समान भी नहीं है, क्योंकि जो भी लैपटॉप में है या मोबाइल में है, जब इंटरनेट से अगर जुड़ेंगे तो खास करके वहाँ आपको इंग्लिश से ही कनेक्ट करना पड़ेगा। जो भी 95% चांसेस है कि आपको सारे इंग्लिश में ही अच्छे मिलते हैं और अच्छे तरह से
पढ़ना हो या कोई सी बारे में जानना हो तो इंग्लिश की बहुत ज़रूरी है, या कम्युनिकेट करना हो किसी को वो इंटरनेट से, इंटरनेट के रिलेटेड जितना भी काम है तो वहाँ पे इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट फिफ्थ, इंग्लिश टेस्ट कैन गेट यू इन टू स्कूल, यानी अंग्रेजी टेस्ट यानी अंग्रेजी एग्ज़ाम आपको स्कूल में प्रवेश दिला सकते हैं। यानी ये बात करें सिंपल स्कूल में, एक अच्छे स्कूल में बात करें हायर एडुकेशन की, तो अगर इंग्लिश टेस्ट है अंग्रेजी के बिना इंग्लिश मीडियम, तो आपको एक अच्छे स्कूल में प्रवेश नहीं मिल सकता। एग्जाम्पल के बात करें IIT JEE जितने इंजीनियर होते हैं तो वहाँ पे सारे के सारे पेपर इंग्लिश मीडियम में होते हैं, तो वहाँ पे आपके एग्ज़ाम इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। इसके अलावा बात करें मेडिकल की, जितने जितने एम्स के एग्ज़ाम होते हैं वो सब के सब PMT के एग्ज़ाम होते हैं, कैट के एग्ज़ाम होते हैं, नीट के एग्ज़ाम होते हैं, गेट के एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें सिर्फ इंग्लिश मीडियम ही रहते हैं। हिंदी हिंदी किसी किसी में ऑप्शन एक आध में JEE में दे देता है, लेकिन वहाँ पे आपको नोट्स कहीं खोजते रह जाइएगा, हिंदी मीडियम नहीं मिलेगा। यानी इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है, और इंग्लिश से एक आ रही है तो आप एक अच्छे स्कूल में जा कर के अपना डिग्री ले सकते हैं, एक हायर एडुकेशन पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें पढ़ने की, तो अगर जितना भी देखिए तो हिंदी मीडियम से हो चाहे अपनी मदर लैंग्वेज कोई लैंग्वेज आपकी आती हो, तो आप 12th तक ही कर सकते हैं। 12th के बाद जैसे जाइएगा तो वहाँ पे आपके जितने भी नोट्स हैं, जितने भी नोट्स है बुक है, खास करके इंग्लिश में ही मिलेगी। एक आध ऑप्शनल रह जाते हैं जैसे कि इतिहास, भूगोल, नागरिक यानी बात करते हैं हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये सब की, सिविक्स की, तो ये हिंदी मीडियम मिल जाते हैं और चलते भी हैं। नेक्स्ट सिक्स्थ, इंग्लिश मेक्स ट्रेवलिंग सो मच इजियर, यानी अंग्रेजी की यात्रा आपको बहुत आसान आसान बनाती है। यानी आप अगर यात्रा करते हैं कहीं तो आपके इंग्लिश में हर जगह आप जाइए तो वहाँ पे खास कर कोई भी यातायात का सिंबल हो, कोई भी ट्रैफिक हो, या कहीं अपने भी कंट्री में या अदर कंट्री में, वहाँ पे अगर आपके इंग्लिश साथी है तो वहाँ पे लिखे गए इंटरेक्शन यानी सुझाव बोर्ड पे लिखे गए चीज़ से आप आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं इंग्लिश आती है तो। इसके अलावा बात करें तो ये हमारे वर्ल्ड में, वर्ल्ड लाइफ में, मतलब कि अभी के लाइफ में क्या इंग्लिश की ज़रूरत है इंडिया में, तो इंडिया में एक बहुत बड़ा धक्का लगता है भाई जब भी मान ले देहात के लोग कुछ नहीं आता है इंग्लिश में, और मतलब कह सकते हैं थोड़ा मतलब कि अधिक, ये नहीं कि कुछ नहीं आता है, मतलब कि आता है लेकिन एक लेवल बहुत एडुकेशन की इंग्लिश में बहुत कम रहती है। तो अगर बात करें केस मुकदमे की, अगर जो जज है और वकील है वो आपस में बात करते हैं इंग्लिश मीडियम में, इनकी केस है लेकिन ये पता नहीं चलता कि ये क्या हो रही है, वकील साहब क्या बात कर रहे हैं, जज से क्या कहे, जज क्या वकील से कहा, क्या वकील जज से कहा, ये दोनों को कम्युनिकेशन को कुछ कुछ मतलब समझ नहीं आता है, और जज फैसला सुना देती है। मतलब ऐसी जगह पे आपको इंग्लिश को आना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बात करें तो डेली लाइफ में कोई भी सामान खरीद के लाते हैं, पैकेट, हर पैकेट पे इंग्लिश मीडियम में ही लिखी है, टूथपेस्ट हो या कोई भी पॉकेट हो, कुरकुरा ही क्यों ना हो, बिस्कुट क्यों ना हो, सारे के सारे इंट्रक्शन हो कुछ उसमें क्या मिलाया है, कितना परसेंट उसे उसके कौन सा क्वालिटी है, तो उस सारे के सारे चीज़ वहाँ पे सब इंग्लिश मीडियम में लिखे हैं। अगर सपोज करिए आप वेजिटेरियन हैं कुछ ख़रीदने गए तो बहुत सारे बिस्कुट है केक है जिसमें एक डाला जाते हैं, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो वो खा लेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे अंग्रेजी के चीज़ है जो आप नहीं कर सकते। अगर बात करें तो एक सिंपल सा फॉर्म की बात करें, फॉर्म भरना हो तो एक इंग्लिश के ही ज़रूरी थी, एक इंग्लिश में ही खास करके फॉर्म आती है सारे, कोई भी इंटरनेट के फॉर्म जाकर भरिए तो खास कर इंग्लिश में ही आएगी। हिंदी मीडियम से भर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी एक आध ऑप्शन है,
और ख़ास करके बोलिए तो इंग्लिश मीडियम जिसको इंग्लिश आता है वही लैपटॉप वगैरह चला सकता है, वही इंटरनेट से कम्युनिकेट कर सकता है। तो आशा करता हूँ कि इतना इंग्लिश को इम्पोर्टेंस बताए कुछ समझ में आया होगा। यह हमारा पहला लेक्चर था, तो थैंक्स फॉर दिस लेक्चर, दैट्स ऑल।